स्पेसशिप से कुछ लोग बाहर आए थे मगर उनमें से एक वापस नहीं गया। ये कोई मिल गया का वो जादू है जिसको लेने के लिए उसके साथी एलियंस वापस भी नहीं आए, इसको धरती पे ही छोड़ गए और हम पर एक बोझ डाल गए। कंट्रोवर्सी। आई डोंट लाइक इट। आई लव कंट्रोवर्सी एंड आई कांट बिलीव माई सेल्फ कि अभी अपुन की कंट्रोवर्सी किससे हुई है। द मैन, द मिथ, द लेजेंड, मेरे बचपन का फेवरेट सुपर हीरो, जिसको देख के मेरे मन में आता है ये तो टट्टी है, जिसकी फिल्में देख के मेरे मन में आता है ये तो टट्टी है, जिसके मूवी रिव्यूज देख के मेरे मन में आता है ये तो टट्टी है, जिसका डांस देख के मेरे मन में आता है ये तो टट्टी है। अरे यार ये तो बंदा ही टट्टी है। के आर के। तो आज से दो या तीन हफ्ते पहले केआरके चाचा ने जो केजीएफ 2 मूवी का रिव्यू करा था उस पे एक रिप्लाई वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने जो जो पॉइंट्स उन्होंने उस वीडियो में बोले थे मैंने सिर्फ लॉजिकली बताया कि ये पॉइंट्स फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तो अब केआरके चाचा ने उस पे एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाई है, तो आइए देखते हैं। कोई बंदा है जिसका नाम है ट्रिगर्ड इंसान, उसने तकरीबन एक महीना पहले मेरा रोस्ट किया था। नहीं, मैंने आपका रोस्ट नहीं करा, आप अभी भी वो वीडियो जाके देखोगे तो मैंने उसमें सिर्फ जो जो पॉइंट्स आपने केजीएफ 2 के रिव्यू के बारे में बोले थे मैंने ये बोला था कि फैक्चुअली वो गलत है, तो उसको हम रोस्ट, अगर आपको लगता है वो रोस्ट है तो ओके। वो वीडियो मैंने आज ही देखा है, तो आज का ये वीडियो इसी लुखे के लिए है जिसकी शक्ल है जैसी। भाई वीडियो स्टार्ट होते ही ये सीधा मेरी शक्ल पे आ गया, माना मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है पर ये चौड़े चूतड़ जैसी शक्ल वाला, चूतड़ पंजाबी में हिप्स को बोलते हैं तो कुछ अश्लील गलत नहीं बोला है मैंने, ये चौड़े चूतड़ जैसी शक्ल वाला मेरी शक्ल के बारे में बोल रहा है। इनफैक्ट मेरे चूतड़ भी इससे ज्यादा सुंदर है भाई, और ये मेरी शक्ल के बारे में बोल रहा है। नहीं मैं देखो, हमारे चैनल पे हम किसी की शक्ल के बारे में नहीं बोलते, लेकिन जब कोई तुम्हारी शक्ल के बारे में बोलता है तो वो सबको एक परमिशन दे देता है कि तुम उसकी शक्ल के बारे में बोल सकते हो, और ये इस बंदे की करेक्ट डिस्क्रिप्शन तो ये होगी। चेहरा ऐसा भीषण कि जिंदगी तो क्या नींद में भी कभी नहीं देखा, मगरमच्छ जैसी आंखें, गोंद से चिपचिपे बाल, और ये बंदा वीडियो स्टार्ट होते ही 10 सेकंड के अंदर अंदर हमारी शक्ल के बारे में बोल रहा है। इस हद ऐसी शक्ल वाले को जवाब देना बहुत जरूरी है। तो भाई साहब आपकी शक्ल जैसी है ये तो एक अलग बात है। कम से कम 4 बार ये यही चीज बोल चुका है कि मेरी शक्ल जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज के जैसी है, मतलब थोड़ा सा अश्लील है, मैं शायद ना दिखा पाऊं अपने चैनल पे, लेकिन ये टट्टी किसने की है? ये पुराना सा टिश्यू है, इस पे मैं ऐसा जोर से करके नाक साफ करी है, देखो केआरके मेरी क्या, ये किसी की भी शक्ल के बारे में कैसे बात कर सकता है ऐसी शक्ल लेके। और ऐसी शक्ल लेकर आप लोगों का रोस्ट करते हैं, शर्म नहीं आती? दोस्त मम्मी डैडी ने 2-4 दफा तो तेरे को जरूर बोला होगा कि देख बेटा तेरी शक्ल जैसी है, तू ये लोगों का रोस्ट करना बंद कर दे, थोड़ी शर्म कर बेटा। मैं भाई 1 मिनट हुआ है वीडियो को, ठीक है 1 मिनट में सिर्फ इसने एक लाइन रिपीट करी है कि तेरी शक्ल ऐसी है, तेरी शक्ल ऐसी है, तेरी शक्ल ऐसी है। वाओ वाओ केआरके चाचा वाओ, क्या रिप्लाई किया है, किसी की शक्ल के बारे में बोलना ये रिप्लाई होता है, जबकि तुम्हारी खुद की शक्ल नहीं। मैंने बहुत इसकी शक्ल के बारे में बोल दिया है, अगर मैं इसकी शक्ल के बारे में बोलता रहूंगा तो इसके और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो आप बहुत सुंदर है सर, आप बहुत प्यारे हैं, नहीं मेरे मम्मी डैडी ने मेरी शक्ल के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। माँ बाप के लिए उनका बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, उनके लिए उनका बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा सुंदर होता है। शायद आपके माँ बाप के लिए आप नहीं थे, इनके तो पिताजी ने इनके पैदा होते ही बोल दिया था एक दिन ये लड़का हमारे खानदान का नाम मिट्टी में देगा, इसे अपने ही हाथों से जहर देकर मार डालो। तो करना। मैंने तेरा वीडियो देखा और वो वीडियो देखकर मैं समझ नहीं पाया कि तू जब वीडियो बनाता है तो नीचे किसी को बैठा देता है क्या के लिए, क्योंकि तू बिना लिमिट के हंसता है। अबे ऐसे नहीं होता। ऐसे होता है सर।
क्या है बेटा ये? सर वो अपना स्टाइल है, फनी चीजें दिखती है और हम उस पे हंसते हैं, जैसे कि आप पर तो हंसूंगा ही ना मैं। मैं क्या, आप पर तो पूरी दुनिया हंसती है। मैं माना कि आपको पांचवी क्लास से आदत पड़ गई थी कि भाई बिना आपको चैन नहीं आती, लेकिन कम से कम वीडियो तो बिना बना लिया कर भाई। डेढ़ मिनट हो चुका है अभी तक ये सिर्फ अश्लील बातें कर रहे हैं। बेसिकली ही इज ट्राइंग टू से कि एक मैंने बंदा नीचे बिठा रखा होता है जो मेरे हिप्स पे टिकलिंग टिकलिंग गुदगुदी गुदगुदी करता है और फिर मैं करके हंसता हूँ। तू जरा सोच कर देख कि तू कितना बड़ा लुक्खा है, कितना बड़ा झंडू है कि तू खुद ही जोक बनाता है और खुद ही हंसता है। अरे मेरे लुक्खे दोस्त, अगर तेरे जोक अच्छे हैं तो पब्लिक हंसेगी ना, पब्लिक को हंसने दे, तू खुद ही जोक मार के खुद ही क्यों हंसता है? सबसे बड़ा जोक तो मेरे सामने चल रहा है। यू नो सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी हिपोक्रेसी क्या है, उस वीडियो में मैंने कोई जोक नहीं मारा। जोक मारने तो मैंने बहुत साल पहले ही बंद कर दिए थे, खैर। बट लेजिट जो KRK पे मैंने वो जो वीडियो बनाई थी KGF 2 के इनके रिव्यू पे, उस पे मैंने कोई जोक नहीं मारा, मैंने सिर्फ इनकी बातों पे लॉजिकल फैक्चुअल एक्सप्लेनेशंस दी थी। डबल ढोल की भाई, मैं तेरे सब्सक्राइबर्स देखकर हैरान रह गया, परेशान हो गया। मतलब इस दुनिया में लोग कितने दुखी हैं, अपने आप से ही कितनी नफरत करते हैं कि तुझ जैसे लुक्खे के चैनल को 16 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। अरे 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 अरे, अभी मेरे सब्सक्राइबर नंबर से भी अंकल जेलसी। हां जेलसी, आप इतने बड़े रुपीस वाली एक्टिंग करते हो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मगर क्यों? अरे यार मारा बहुत तेरी के। अरे यार इतना बढ़िया आप डांस करते हो, जान सोनिया दिन का जादू चल गया। क्या आप गाने गाते हो, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। क्या आप नशों का सेवन करते हो, दम 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 फू फू झूम झूम झूम। इतना टैलेंटेड प्राणी, इतना टैलेंट लेके भी एक लुक्खे पे वीडियो बना रहा है। तुझ जैसे लुक्खे के चैनल को 16 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। पिछली 8-10 वीडियोस में सबसे ज्यादा व्यूज भी आपके इसी लुक्खे के नाम पे आए हैं। जिंदगी से परेशान ना होते, खुद से ही नफरत ना करते, तो तेरे जैसे डबल ढोलकी को खिकी 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 करते हुए क्यों देखते भाई? कुछ लोग हैं जो मेरे को हंसते हुए देख के शायद थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, लेकिन आपकी ऐसी वीडियोस देख के, आपके घटिया सस्ते पेड रिव्यूज देख के किसी को कोई खुशी नहीं मिलती है। लोगों को सिर्फ आपकी वीडियो में मजा पता क्या आता है, आपकी बेइज्जती करने में। आपके अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाके मैं देखूं ना, सिर्फ आप ही की धज्जियां उड़ा रखी है लोगों ने। आपके किसी भी मूवी रिव्यू पे जाके देख लो ना मैं, तो आप ही की धज्जियां उड़ा रखी है लोगों ने। आपके तो खुद की इंडस्ट्री वाले लोग तक आप पे हंसते हैं। इस बार का लाइफटाइम अचीवमेंट बाल्टी अवार्ड या जा रहा है टू नाना द दैन KRK। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। तुम दोनों जोकर्स ने अपने औकात दिखा दी। अरे यार है ना, मतलब दो रुपए के जो जोकर रहते हैं वो जोकर ही होते हैं, जोकर ही रहेंगे। शगल आपकी 2 रुपीज पीपल वाली, बस नाम के सामने RK लगा रखा है तो खुद को समझते हो SRK हो। अबे नाम के सामने RK लगाने से शाहरुख नहीं बन जाओगे तुम, KRK ही रहोगे। अब आते हैं देशद्रोही के पोस्टर पर। हाँ। इंग्लिश तक नहीं लिखनी आई ढंग से भाई, पोस्टर बना रहा है तू अपनी मूवी का, कम से कम इंग्लिश तो ढंग से लिख लेता। तूने कहा कि भाई उसमें तो इंग्लिश भी गलत लिखी हुई है। सही बोला। बेटा वो पोस्टर मैंने नहीं बनाया था, वो फैन मेड पोस्टर था, किसी ने बनाकर डाला था, पोस्ट किया था, मैंने उसको शेयर कर दिया था। बधाई हो, ये बच गए देशद्रोही 2 नहीं आ रही। थैंक गॉड, एक खुशखबरी तो, एक अच्छी बात तो इस पूरी वीडियो में KRK चाचा ने हमें बताई दी। तो जाहिर सी बात है वो इंग्लिश मैंने नहीं लिखी थी, लेकिन तू डबल ढोल की कैसे समझेगा, तू गांवटी है, गांव में बैठकर तुझे क्या पता कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। हेलो, अरे भगवान जी आपने बताया क्यों नहीं कि वो देशद्रोही 2 का पोस्टर इसने नहीं बनाया था, किसी फैन ने बनाया था। नहीं सपने में तो बताना चाहिए था ना मेरे को। जाओ यार भगवान, नाराज हूं मैं आपसे। नहीं भगवान की गलती है ना, उन्होंने मेरे को सिग्नल नहीं भेजा कि वो पोस्टर जो है वो फैन मेड था। इसने खुद अपने इंस्टाग्राम पे, ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे, ये देशद्रोही 2 का पोस्टर शेयर करा है और कैप्शन में लिखा है शूटिंग इज गोइंग टू स्टार्ट सून। कहीं नहीं लिखा कि ये फैन मेड है। और कमेंट्स पढ़ लो, हर एक बंदे को लग रहा है कि ये मूवी सच में रिलीज होने वाली है। तो मैं कोई भगवान का बंदा तो हूं नहीं जिसको आकाशवाणी हो जाएगी कि ये बवासीर तो सिर्फ एक मजाक था। झूठ बोलता है,
मारो 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 इसे, मेरी तरफ से भी दो मारो। डबल ढोल की भाई, अब आ जाते हैं केजीएफ 2 पर। तुमने कहा कि मैंने केजीएफ 2 का गलत रिव्यू दिया है, मतलब तुमने ये कहा कि मैंने जो फैक्ट बताए हैं वो गलत बताए हैं। मैं इस कहानी को 1500 साल पुरानी क्यों बता रहा हूं? ये तो 1970 की कहानी है, क्योंकि डायरेक्टर ने ऐसा लिखा है। ये 1970 की मूवी दिखाई गई है। चाचा कौन सी मूवी देख कर आयो? क्या माल फूक के गए थे? अब तू मुझे बता कि तेरी शक्ल जैसी है, अगर तू इस पे लिख देगा कि ये ऋतिक जैसी है तो क्या हम ऋतिक मान लेंगे? या तू इस पे लिख देगा कि ये रणबीर कपूर जैसी है तो क्या हम तुझे रणबीर कपूर मान लेंगे? तो बेटा लिखने से कुछ नहीं होता, गांव से थोड़ा बाहर निकल, दुनिया देख, फिर अपना दिमाग लगा। जो डायरेक्टर ने लिख दिया उस पे यकीन मत कर, उसकी कही हुई बात को पत्थर की लकीर मत मान मेरे बेटा। ये बंदा पागल वागल है क्या? अबे वो एक फिक्शनल मूवी है, फिक्शनल और रियलिटी के बीच में फर्क पता है तेरे को? एक वो मूवीज के स्टार्टिंग में तूने पढ़ा होगा इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स, और एक होता है फिक्शनल। केजीएफ एक फिक्शनल मूवी है। अब उसमें फिक्शनल मूवी में जो डायरेक्टर लिखेगा, जो स्टोरी राइटर लिखेगा, वो ही मानेगा ना। अगर स्टोरी राइटर बोल रहा है 1970 की मूवी है तो मैं 1000 साल पुरानी मूवी कैसे मान लूं? ये बंदा बचपन में रोहित की तरह सर के बल गिर गया था, कोई बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है इसका, इसका दिमाग का काफी सारा पोर्शन जो है, एक्चुअली पूरा का पूरा दिमाग ही जो है वो खराब हो चुका है। भाई तूने अपनी वीडियो में अगर कुछ गलत बातें बोल दी और किसी ने उसको करेक्ट कर दिया तो उसको एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैंने गलत बोल दिया। ये उसकी जस्टिफिकेशन दे रहा है कि जो डायरेक्टर बोलता है वो हर चीज नहीं माननी चाहिए। अबे तो मूवी का मतलब ही क्या है? सब कुछ तो केआरके के हिसाब से होना चाहिए। अरे तभी तो देशद्रोही इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। केजीएफ 2 में रहने वाले लोग हैं वो कोयले की खदान में नहीं काम करते बल्कि गोल्ड की खदान में काम करते हैं। ऑब्वियसली बिकॉज मूवी का नाम ही है कोलार गोल्ड फील्ड्स, तो गोल्ड गोल्ड की फील्ड्स, और इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो एक्चुअली में भी खदान में ही काम कर रहे हैं, वो कोयले की नहीं गोल्ड की खदान है। अरे डबल ढोल की भाई साहब माफ कर दे मेरे भाई, मेरे दोस्त माफ कर दे। कोई दिक्कत नहीं है यार के चाचा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपने अपनी गलती मानी, आपने माफी मांग ली, मेरी तरफ से आपको माफी मिल गई है, कोई टेंशन नहीं। अरे मेरे भाई गोल्ड की खदान में और कोयले की खदान में जमीन और आसमान का फर्क है। गोल्ड की जो खदान होती है वहां बिल्कुल साफ सुथरी मिट्टी होती है और उसमें से गोल्ड निकाला जाता है। हाँ? और कोयले की खदान जो होती है जाहिर सी बात है वहां आदमी जैसे ही एंटर होता है वैसे ही काला पीला हो जाता है। लेकिन तुझे लुखे को कैसे पता? तू तो अपने गांव से बाहर ही नहीं निकला। एक सेकंड, ये मुझे क्यों समझा रहा है दोनों का डिफरेंस? इसने अपनी केजीएफ रिव्यू वाली वीडियो में बोला था सभी ऐसे दिखते हैं जैसे कि कोयले की खदान में से काम करके अभी अभी निकले हों। इसने बोला था कि केजीएफ में कुछ काले पीले से दिखने वाले लोग हैं जो कि ऐसा लगता है कि कोयले की खदान में से अभी अभी काम करके निकले हों, जिसके रिप्लाई में मैंने बोला था डूड वो एक्चुअली में भी खदान में ही काम कर रहे हैं, वो कोयले की नहीं गोल्ड की खदान है। कि हाँ वो लोग एक्चुअली में भी खदान में ही काम करते थे, बस कोयले की खदान नहीं थी वो गोल्ड की खदान थी। जिसके अब ये रिप्लाई में मुझे कोयले की और गोल्ड की खदान के बीच का डिफरेंस बता रहे हैं? इस छोटी बुद्धि मूंगफली जितने दिमाग वाले को समझ कुछ नहीं आया। ये मेरी बातें मुझे बोल के मुझे बेवकूफ बोल रहा है। इस बंदे ने मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो बनाई है लेकिन इसने अपना खुद का रोस्ट करवा दिया है, सिवाय अश्लील वल्गर बातों के इसने कुछ नहीं बोला है इसमें। और जहां पर ये मेरी फैक्चुअल बातों के ऊपर बोलने गया इसने हग दिया, हग दिया। जैसी शक्ल वाले डबल ढोल के वही शक्ल पे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और तुझे करते हुए देखते हैं। हाँ, उनको मजा आता है मेरे को है करते हुए। कि तेरी क्या आदत है, तू नीचे किसको बैठाता है फिर हंसने के लिए? खैर ये तेरा पर्सनल मैटर है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तू इन लोगों का टाइम पास कर और जो कर रहा है वही करता रहे, करता हमारे फील्ड में घुसने की कोशिश मत कर बेटा। अच्छा, ये जो फिल्में हैं ये हमारा फील्ड है। अच्छा, यहाँ तेरी जीरो नॉलेज है। अच्छा, तो तू हमारे फील्ड में हमें ज्ञान देने की कोशिश मत कर, हमें चैलेंज करने की कोशिश मत कर बेटा। अच्छा, तुम्हारी फील्ड है फिल्म रिव्यू वाली। अच्छा, पेड रिव्यूज तुम बनाते हो। मैंने उस केजीएफ वाली वीडियो में ये बात भी बोली थी कि इस
बंदे को हीरोपंती 2 के लिए पैसे मिलेंगे और उसका ये पॉजिटिव रिव्यू देगा, और मेरी ये वीडियो डालने के 2 दिन बाद हीरोपंती 2 एक कंप्लीट एंटरटेनिंग फिल्म है जिसमें वो सब कुछ मसाला है जो इस फिल्म को देखने वालों को पसंद आएगा। हर अच्छी मूवी का ये बंदा नेगेटिव रिव्यू बनाता है क्योंकि इसको पैसे नहीं मिलते हैं उसके लिए, और हर घटिया से घटिया वाहियात मूवी के लिए इस बंदे को पैसे मिलते हैं तो उसके ये पॉजिटिव रिव्यू बनाता है। और फिल्म रिव्यू तुम्हारी फील्ड है, तुझसे बहुत अच्छे अच्छे फिल्म रिव्यूअर्स बैठे हुए हैं, ट्राइडेंट रिफ्यूज प्रोडक्शंस एंड ऐसे करके बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्म रिव्यूज वाले हैं जो भाई एक्चुअल लेजिट मूवीज के रिव्यूज देते हैं। तो तुम जैसे सस्ते पेड रिव्यूज देने वाले अपने आप को फिल्म रिव्यूअर ना ही बोले तो अच्छा है। यार के चाचा चाचा मैं आपको आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोलता हूँ क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं, आप बेशक अपनी पूरी वीडियो में सिवाय वल्गर बातों के कुछ नहीं बोल रहे। एक काम करना, अगर इसके बाद आप मेरे पे रिप्लाई वीडियो बनाने का सोचो, जो कि शायद आप बोल भी रहे हो, दोबारा ऐसी गलती की तो डबल ढोल की याद रखना कि आज तो तेरी कुछ भी नहीं मारी, आज तो तेरी कुछ भी नहीं ली, इससे भी बुरी तरह से लूंगा अगले वीडियो में। हाँ, तो अगली वीडियो अगर आप मेरे पे बनाने की सोचोगे ना, तो एक काम करना चाचा, उसमें ना वल्गर बातें कम करके थोड़ा सा फैक्चुअल लॉजिकल मेरे पे लाइक वीडियो बनाना, ताकि उस पे रिप्लाई करते हुए ना मेरे को हर चीज सेंसर ना करनी पड़े। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वाओ क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय।